इस आइलैंड के लिए 400 भात वो एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। इसको खिलाते हैं ना, आ जाओ ये लो, आ जाओ। इसको डांट रहा है और वो इसकी बात सुन भी रहा है। ये देखो मंकी अपने बच्चे को कैसे लेकर जा रहा है। बाय बाय मंकी, आ जाओ। बाय बाय। वो शार्क नजर आ रही है यहाँ पे माया बेबी। आज हमने फिफी आइलैंड का बोट ट्रिप किया, बहुत मजा आया। तो आज हमारा दूसरा दिन है फिफी में और हमने कल जो है वो टूर बुक कर लिया था फिफी आइलैंड्स का। तो अभी सुबह 10 बजे एक ग्रुप टूर है जिसको हमने ज्वाइन करना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट रहते हैं और नीचे मैकडोनल्ड्स है, वहाँ पे सब जमा होंगे और उसके बाद जो है टूर गाइड हम सबको लेके जाएगा आइलैंड्स पे। हमने जो है ट्रेल बोट जो है वो बुक की है, तो आइए चलते हैं। जितने लोगों ने भी ग्रुप टूर बुक किया था उन सबको बोला गया था कि मैकडोनल्ड्स के पास जो है वो जमा होना है। तो यहाँ पे तकरीबन लोग जमा होना शुरू हो गए हैं। अभी हम इनको फॉलो करते हुए ट्रेल बोट की तरफ जाएंगे। ये सारी ट्रेल बोट्स हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ से बोट होती हैं फुल डे और हाफ डे ट्रिप के लिए। तो हमारे ग्रुप के जितने भी लोग हैं ये सारे आगे जा रहे हैं, हम भी उनके साथ हैं। तो यहाँ पे वेट करना है, अपनी बोट का वेट करना है। अब इनमें से जो है कोई एक हमारी बोट है जो हम बोट करेंगे। तो ट्रेल बोट में हम बैठ गए हैं। जो लास्ट टाइम हमने बोट ली थी वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी, अब देखते हैं। टूर के लिए हम निकल चुके हैं और अब जो पहला स्टॉप आएगा वहाँ पे हम करेंगे स्विमिंग। सब लोग बोट से उतर गए हैं स्विमिंग करने के लिए। मैं अकेली बोट में बैठी हूँ, पता नहीं कैसे ये लोग स्विमिंग कर लेते हैं। मुझे तो गहरे पानी में उतरने से डर लगता है। ये हमारी टूर बोट का सेकंड स्टॉप है बम्बू आइलैंड। इस आइलैंड के लिए 400 भात वो एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, ये इसकी एंट्री फ़ी है। तो यानी कि इस टूर के लिए हमने 600 भात पे किए थे, जिसमें ये फुल डे टूर होगा जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था और फ्रूट इंक्लूडेड था और लंच भी है। तो ये शाम तक टूर रहेगा और एक्स्ट्रा 400 हमने यहाँ पे किए एंट्री, यानी कि टोटल 1000 भात का ये फुल डे टूर जो है ये रहा। तो अगर देखा जाए तो 1000 इज़ नथिंग। यहाँ पे बोट्स हैं, कुछ ट्रेल बोट्स हैं, कुछ फास्ट बोट्स हैं, कुछ कराबी से आई हैं, कुछ फिफी आइलैंड से। एक घंटा हम यहाँ पे स्टे करेंगे और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपना बोट का ट्रिप। तो आगे देखते हैं क्या है। यानी कि इन्होंने जो बोट्स पार्क किए ना वो उस तरफ पार्क किए हैं और इस तरफ जो है ये बीच है। हम इस तरह के आइलैंड्स पे एक दो घंटा आते हैं, घूम के चले जाते हैं, मगर ये जो अंग्रेज़ लोग हैं ये लंबे यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। इनको वीज़ा ऑन अराइवल 30 दिन का मिलता है, 30 दिन रहते हैं, उसके बाद एग्जिट करके वापस थाईलैंड आ जाते हैं। चलो पहले देखते हैं बीच पे क्या मंजर है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये नेशनल पार्क भी है जिसके 400 इन लोगों ने लिए हैं, तो वो भी अगर हम अंदर जाना चाहें तो जा सकते हैं। ये है बम्बू आइलैंड, ये हमारा सेकेंड स्टॉप था बोट टूर का। ये क्या वो मांग रही है, कुछ खाने के लिए मांग रही है। वो देख के ना तुम्हारी तरफ वो आवाज़ें निकाल रही, जैसे बिल्लियाँ नहीं करती। तो खिलाते हैं ना, आ जाओ ये लो, आ जाओ। पानी यहाँ पे बहुत साफ सुथरा है। पहला जो स्टॉप था बोट का वहाँ पे स्विमिंग कर ली थी, तो अभी
देखता हूँ थोड़ी देर में स्विमिंग करते हैं यहाँ पे। ये हमारा तीसरा बोट स्टॉप है और यहाँ पे हम रुके हैं स्नॉर्कलिंग के लिए और इसका नाम है नोई बे। इसका मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ, व्यू चेक करें। पानी का कलर यहाँ पे चेक करें, इसको जो है यहाँ पे लगूंस कहते हैं। यहाँ पे हमने स्टॉप किया है स्नॉर्कलिंग के लिए और स्विमिंग करने के लिए, तो काफ़ी लोग स्विमिंग कर रहे हैं तो इनको देख के जो है मेरा भी मूड बन रहा है कि मैं भी पानी में डुबकी लगा ही लूं। सब डुबकियां लगा के समंदर में चले गए हैं और मछलियों की तरह तैर रहे हैं। असल में ये सब समंदर में स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। जिनको नहीं पता स्नॉर्कलिंग क्या होती है, मैं उनको बता देती हूँ। आप नोट करें, सबके फेस पर प्लास्टिक का मास्क लगा हुआ है, से आंखों में और नाक में पानी नहीं जाएगा। तरह ये सब आराम से समंदर में कलरफुल मछलियां देख सकते हैं। इन सब के मास्क में एक छोटा सा पाइप भी लगा हुआ है, जिससे ये सब आराम से सांस भी ले सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे बोट का चौथा स्टॉप है और ये है मंकी आइलैंड। एक यहाँ पे बैठा हुआ है। इस आइलैंड पे जो है मंकीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसका नाम है मंकी बे या मंकी आइलैंड। इनसे जो है ना थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी चीज़ आपसे छीन सकते हैं। जो यहाँ बैठे हुए हैं वो तो बड़ा गुस्से में है। वो गलब ये वाला बड़ा गुस्से में। ये इसको डांट रहा है और वो इसकी बात सुन भी रहा है। साफ करने का तरीका देखें, इसको पता है कि इसको साफ करके खाना है। ये देखो मंकी अपने बच्चे को कैसे लेकर जा रहा है, और उसमें ऐसा चिपका हुआ है। और इसके बच्चे के पास जो है ना हमने बिल्कुल नहीं जाना। तो चलो इस बार जो है मंकी आइलैंड पे हमें मंकीज जो है वो दिखने को मिले। पीछे भी हैं, ये बड़े बड़े हैं। अच्छा, वो उसको कंट्रोल कर रहा है ना, और ये कंट्रोल हो भी रहे हैं। बाय बाय मंकी आइलैंड। बाय बाय। ये है जी माया बे, मेरी फेवरेट जगह। मगर आजकल जो है कुछ दिनों से ये माया बे क्लोज है, तो अंदर नहीं जा सकते वहाँ पे। Did you see? Yeah. वो शार्क नज़र आ रही है यहाँ पे माया बे पे। उनको पता होता है कि यहाँ पे कौन सी प्लेसेस पे जो है वो शार्क होती हैं, तो वहाँ पे स्विमिंग जो है वो नहीं कर सकते। हाँ, देयर इज अ शार्क। अगर अंदर जाते माया बे में वहाँ पे तो बड़ा मज़ा आता। मैं पहले जा चुका हूँ मगर इस बार जो है वो बंद है। वो वेदर के हिसाब से कभी कभी बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरीके की बड़ी बोट्स भी मिलती हैं। तो लास्ट टाइम जब हमने टूर किया था तो इस तरीके की बड़ी बोट थी और उसमें हमने टूर लिया था। ये जो छोटी बोट्स हैं उसके अंदर आप टूर कर सकते हैं। ये यहाँ पे माउंटेंस के नीचे जो है ये केव्स हैं, तो शॉर्ट स्टॉप लिया हमने यहाँ पे।
वो वहाँ पे, यहाँ पे जो एक बड़ी मछली जो है वो डुबकियाँ लगाती हुई जा रही है, तो उसको देखा और यहाँ पे जो एक शॉर्ट सा स्टॉप लिया। टूर के एंड में यहाँ पे सनसेट के लिए बोट रुकती है, मगर आज जो है बादल हैं तो सनसेट नहीं दिख पाएगा, तो इसलिए हमारा ट्रिप जो है यहाँ पे ख़त्म होगा। हम पहुँच गए वापस फिफी आइलैंड। आज हमने फिफी आइलैंड का बोट ट्रिप किया, बहुत मज़ा आया। अभी हम दोबारा बाहर जाएंगे और फायर शो देखेंगे, उसके बाद डिनर करेंगे। फिफी आइलैंड पे रात के टाइम बीच पे इस तरीके के फायर शोज भी होते हैं, तो इसको भी इंजॉय करने के लिए हम पहुँच गए। फायर शो में तो बहुत मजा आया, कमाल के एक्शंस थे उनके, तो अभी भूख भी लग रही थी और उसकी चॉइस थी कि अभी जो है मैकडोनल्ड्स खाएंगे, तो अभी हम डिनर कर रहे हैं और उसके बाद जो है इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करेंगे और कल हम निकलेंगे पीपी से और हम जाएंगे फुकेट। तो फिर मिलते हैं अगले दिन।